हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही गजब तरीके से हम लोगों ने जो क्या किया था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा हुआ कि प्रोटीन्स आखिर क्या कैसे कैसे होते हैं, प्रोटीन्स के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझा हुआ है। मैं बेटा आपको जो है बेशक ये बोल सकता हूँ कि हमने प्रोटीन्स के जो है बहुत डिटेल में जाकर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर सीरीज चल रही थी। इसके सीरीज में बेटे हम लोग ऐसे कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आए होंगे बच्चे, ठीक है। इसलिए बच्चे मैं उसको थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश किया, मतलब उसको थोड़ा सा बच्चे हम लोगों ने क्या किया, ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश की सारे बच्चों को। अगर किसी भी बच्चों को उसको एकदम डिटेल में जाके पढ़ना है ना बच्चे, तो मेरे हम क्या करेंगे, आप जो है ना बच्चे, हाँ, अगर भी बच्चे किसी भी बच्चों को क्या करना होगा, उसको डिटेल में जाके पढ़ना होगा, तो वो क्या करे, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अविप्सा का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जो है बायो मॉलिक्यूल वाला चैप्टर उठा के बच्चे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। समझ में आया सारे बच्चों को? लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बच्चे, आपका अभी कक्षा 12वीं में होंगे तो आपको ये अभी पढ़ने की नीड नहीं है। जो मैं करा रहा हूं बच्चे वो निश्चित है आपको जो है बोर्ड के एग्जाम्स में आए होंगे या फिर बच्चे आने वाले होंगे, ठीक है। तो बच्चे आप लोग भैया आपके फोकस बना के रखना, आप सिर्फ जो है अपने आप 100% देने में लगे रहना बच्चे, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग बच्चे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़े हुए, उसके साथ ही बच्चे आप प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन हमारे को क्या बोलता है। प्रोटीन क्या है बच्चा? प्रोटीन कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोटीन हमारा क्या होता है, ऐसे प्रोटीन, जब प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, ऐसा बोलते हैं ना हमारे पास बी प्रोटीन, ठीक है। हमारे पास प्रोटीन बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। उसको अगर मैं लिखना चाहूंगी, ठीक है, सॉरी प्रोटीन, हाँ बच्चे, तो अपन ने क्या किया, प्रोटीन के बारे में पढ़ा हुआ है। प्रोटीन पढ़ने के बाद बेटा विटामिन की बारी आती है। विटामिन क्या आखिर, ठीक है, विटामिन, इसको कई बच्चे क्या करते हैं, विटामिन बोलते हैं, विटामिन बोले, विटामिन बोले, ठीक है, एक ही मतलब है, ठीक है। तो आपको जस्ट सिर्फ क्या प्रोनाउंसिएशन की चेंजेस होती है, प्रोनाउंसिएशन कौन कैसे कर रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो विटामिन की मैं बात करूं तो विटामिन क्या होता है आखिर, तो विटामिन क्या होता है, ये हमारे जो है बॉडी के अंदर बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। विटामिन की जो बच्चे हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये हमारे लिए नीड होती है। हमको जो है हमारी बॉडी को इस विटामिन्स की जो है जरूरत होती है, भले ही कम क्यों ना हो लेकिन जरूरत होती है। तो उसका अगर डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहे बच्चे, तो क्या करेंगे, विटामिन्स की बात करें तो वे रासायनिक कार्बनिक यौगिक जो क्या करेंगे, शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से, ठीक है, सुचारू रूप से चलने के लिए करते सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्या बच्चे? सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, मतलब ऐसे जो है केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स, जो क्या करेंगे बेटा हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे बॉडी को चलाने के लिए, जैव प्रक्रम के सारे जो है विधियों को करने के लिए, ये जो है हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। आवश्यक मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, तथा जिनकी कमी से अनेकों प्रकार की क्या होती है बेटा, बीमारियां उत्पन्न होती है, डिजीजेस उत्पन्न होती है। वो डिजीजेस कुछ आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो बच्चा वो डिजीज, वो बीमारी आप लोग फटाफट ये नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखो, ये कुछ बच्चे आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो डिजीज है, बीमारियां है, तो आप बच्चे इसको नोट करके अपने कॉपी के अंदर बहुत ही गजब तरीके से लिखिए, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चे आपको डिजीज है, ठीक है, यहाँ पे डिजीज में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों कैसे चीजें होती है करके। अब बच्चे आप लोग उसका नाम लिखिए फटाफट, जो खून का थक्का जमना, मतलब कौन सी विटामिन की कमी से होगी, विटामिन के की कमी से हो जा रही हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चे यहाँ पे आपको कुछ याद रखना है, बाकी वहाँ पे कुछ करने वाले को आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, ठीक है, फटाफट आपको समझ आया, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम जो अपना जो आज के चैप्टर के ऊपर आते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या बच्चा? न्यूक्लिक एसिड के ऊपर आते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा आखिर? न्यूक्लिक एसिड को अपन को समझना होगा, तो फटाफट आप लोग अपने कॉपी पेन को थोड़ा सा ड्रॉप कर दीजिए, तो कॉपी पेन को अपने थोड़े से सही जगह पर रख दीजिए और कंसेप्ट को समझते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चा, अगर आप प्रोटीन, ठीक है, ये खत्म कर लिए तो आपको जो है चरी नंबर मिलने ही वाले हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? अब थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आपने जो है बचपन में पढ़ा होगा कि सेल के बारे में, क्या बच्चा? सेल के बारे में। अगर बच्चे हाँ कक्षा भी 12वीं में होंगे बेटा, ठीक है, जो बायोलॉजी वाले होंगे तो बायोलॉजी वाले इसको समझ पा रहे होंगे सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, ठीक है। अब जब कोशिका के अंदर हम जाते हैं बेटा, तो हमको क्या मिलता है, एक न्यूक्लियस मिलता है। क्या बेटा? न्यूक्लियस मिलता है, मतलब हमको जो है केंद्रीय मिलता है, केंद्रक मिलता है, ठीक है। इस केंद्रक में अपन जब देखते हैं तो केंद्रक में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स होता है। अब क्रोमोसोम होगा तो क्रोमोसोम के अंदर जो ये क्रोमोसोम बना कैसे रहता है, क्रोमोसोम बना कैसे रहता है बेटा, ये क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल से बना होता है। क्या? बायोमॉलिक्यूल से, जैव अणु से, बायोमॉलिक्यूल से बना होता है, बायोमॉलिक्यूल से बना होता है। और वही बायोमॉलिक्यूल जो होता है बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है बेटा, वो होता है हमारा, पहला जो होता है वो डीएनए होता है, पहला जो होता है डीएनए होता है, और दूसरा जो होता है, प्यारे बच्चों सॉरी, पहला जो होता है डीएनए, यहाँ पे डीएनए की बात नहीं करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे डीएनए की बात नहीं करेंगे। पहला जो होता है बेटा वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, पहले जो होता है बच्चे प्रोटीन होता है, और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हमने प्रोटीन मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोला था बेटा क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सही में। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या बात करता है, ठीक है, इस न्यूक्लिक एसिड को मैं जब देखूंगा ना पहले बच्चे, तो न्यूक्लिक एसिड को देखने पर मेरे को दो तरीके मिलते, दो टाइप्स के मिलते, दो प्रकार के मिलते। पहला जो होता है पहले बच्चे वो क्या होता है, डीएनए। पहला जो प्रकार का होता है बेटा वो क्या होता है, डीएनए। किसको बोलते हैं, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, तो क्या बोलते हैं पहले बच्चे उसको, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। हमारे पास एक राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जिसको आरएनए बोलते हैं। क्या बेटा, डीएनए और आरएनए। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे होगा, अच्छा बारहवीं में जो बायोलॉजी वाले होंगे बच्चे वो भी इसको पढ़ रहे होंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को और ज्यादा डिटेल में भी जानने की नीड नहीं है, जो हमारे कंसेप्ट के रिलेटेड हो गए मैं उसी टॉपिक को यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? ठीक है, अब देखो डीएनए और आरएनए की मैं बात किया, तो डीएनए में आखिर क्या आता है सर, आखिर डीएनए अपन को क्या बताता है? डीएनए बच्चे आपने क्या समझा होगा, आपने पढ़ा भी होगा बच्चे जो है, ठीक है, हमारे जो पेरेंट होते हैं, हम जो दिखते हैं, हम जो है अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। क्या बच्चे, अपने पेरेंट की तरह, हम जो है हमारे पापा की तरह दिख रहे होते हैं, हमारे पापा जो है हमारे दादा की तरह दिख रहे होते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है बेटा, ट्रांसमिट होता रहता है। जेनेटिक्स क्या होता है, हमारा ट्रांसमिट होता रहता है। ठीक है, तो वही हमारा डीएनए का फंडा होता है, डीएनए फंडा यही है भैया। ठीक है, अब इसके जो हमारा जो मेन फंडा है, मेन जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है। समझ में आया सारे बच्चों को, डीएनए के बारे में अपन यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से समझ पाए कि डीएनए आखिर क्या होता है, कैसी चीजें होती है। ठीक है, अब बच्चे ये तो सारी चीजें समझ आई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, न्यूक्लिक एसिड के मैं जब बात करूंगा प्यारे बच्चे, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में चार होते हैं। क्या होते हैं बेटा, चार। ठीक है, तीन तरीके के बच्चे हमको जो है अलग अलग तरीके के जो है क्या मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं। क्या बात करूं तो केमिकल जो है कंपोजिशन मिलते हैं, केमिकल कंपोजिशन मिलते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं जो है हमारे, तो पहला जो कंपोजिशन होता है बेटा वो क्या होता है हमारा, तीन तरीके कंपोजिशन होते हैं। मैं गलती से चार बोल दिया था, ठीक है, वो तीन समझ लें बेटा। ठीक है, तीन आपको याद रखना है, तीन कंपोजिशन होते हैं। पहला जो कंपोजिशन होता है बेटा वो क्या होता है हमारा, ठीक है, पेंटोज। क्या होता है बेटा, पेंटोज सुगर। क्या होता है बेटा, पहला जो कंपोजिशन होता है वो हमारा क्या होता है, पेंटोज सुगर। ठीक है, दूसरा जो कंपोजिशन होता है बेटा वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है क्षारक। मतलब जहां पे नाइट्रोजन एसिड, नाइट्रोजन जो है युक्त जो क्षारक हो बेटा, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्षारक की बात हो रही। तीसरा टाइप होगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फ्लोरिंग एसिड, फॉस्फोरिक। ठीक है, फ्लोरिंग नहीं, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में यहाँ पे बात हो रही। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में यहाँ पे बात हो रही, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे तीन जो है कंपोजिशन होते हैं बेटा। ठीक है, संगठन होते हैं। ठीक है, अब संगठन में बेटा सबसे पहले मैं बात करूँ पेंटोज के बारे में, तो पेंटोज के बारे में बात करूँ बेटा, पेंटोज समझने से पहले हमको यहाँ पे दो चीजें क्लियर करनी होगी। पेंटोज में बेटा सबसे पहले जो होता है डीएनए और आरएनए के फंडे पे, समझेंगे तो डीएनए के फंडे पे क्या होता है बेटा, डीएनए के फंडे पे, ठीक है, डीएनए के फंडे पे, और दूसरा होता है हमारा आरएनए के फंडे पे। ठीक है, आरएनए के फंडे में क्या होता है बेटा, राइबोज होता है। क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो राइबोज। ठीक है, ये हमारे जो राइबोज होता है आरएनए के फंडे पे होता है, हमारा जो डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज। सबसे पहले मैं आरएनए के फंडे पे बोलूं तो मेरा जो राइबोज होता है, राइबोज, ठीक है, और डीऑक्सीराइबोज। ये दो चीजें आपको समझ रहे हैं, डीएनए के फंडे में बेटा डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए के फंडे पे राइबोज होता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा फिर वापस से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं क्षारक की बात करूं बेटा, तो क्षारक और डीएनए और आरएनए के फंडे पे दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, डीएनए में बेटा, डीएनए और आरएनए में, डीएनए में क्या होता है, चार क्षारक मौजूद होते हैं, चार जो बेसिस मौजूद होते हैं, वो बेसिस मैं आपको दिखाऊंगा अभी फिलहाल। ठीक है, फिलहाल आप याद रखना कि चार होते हैं। ठीक है, चार होते हैं, और यहाँ पे बेटा आरएनए में भी कितने होते हैं, चार होते हैं, और सिर्फ जो डीएनए और आरएनए में चेंज होता है वो सिर्फ एक जो है बेस का चेंज होता है, बस एक बेस क्या होगा, चेंज होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्षारक की बात हो गई। अब फास्फोरिक जो है एसिड की बात करूं तो वो तो आपको पता ही सब सारे बच्चों को। ठीक है, ये हमारा क्या है, फास्फोरिक एसिड का क्या बेटा, ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या है, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये हमारा बच्चा क्या है, देखो ये हमारा जो है डीएनए, ये बच्चे हमारे आरएनए के लिए आरएनए स्ट्रक्चर का है, ये मेरा जो है डीएनए स्ट्रक्चर का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा समझ लेना है। क्या बच्चे, ये हमारा राइबोज के लिए बच्चा, ये हमारा डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, सिर्फ कुछ ही फंडे यहां पे, कुछ ही नए बच्चे, आपको स्ट्रक्चर याद रख के रखना है। क्लियर है सारे बच्चों को, थोड़ा। ठीक है, हां, तो बच्चे अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखो हमारे कांसेप्ट के ऊपर। अब बच्चे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर के बारे में, किसके स्ट्रक्चर के बारे में,
स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनता है सर, आखिर जो है न्यूक्लिक एसिड वो बनता कैसे, उसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना। देखो हमारे पास क्या होगा बच्चा, इस तरीके से पूरा एक फेंटोस होगा, पूरा क्या बच्चा, ये फेंटोस स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा ये स्ट्रक्चर क्या था, हमारा ये स्ट्रक्चर क्या, ध्यान से देखो, हमारा ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, राइबोस के बारे में बता रहा है, ठीक है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस के बारे में बता रहा है। अब देखो ये राइबोस के तरफ देखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये मेरा मान लो कि ये मेरा पहला स्टेट है, पहला जगह है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, ठीक है, ये मेरे चार और ये मेरे पांच, ठीक है, मैंने ऐसे नंबर दे दिया, ठीक है, ये मैंने ऐसे इसको नंबर दिया, ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको नंबर दिया। अब देखो बच्चे, ये मेरा जो फेंटोज सुक्रोज है, मेरा फेंटोज सुक्रोज है, मतलब मेरा फेंटोज जो है सुगर है, उस पर जब मैं पहले वाले पोजीशन पे वापस से समझा रहा हूं, मेरा ध्यान सुनना, ठीक है, जब मैं पहले वाले पोजीशन पे कोई भी एक बेस लगा दूंगा, ठीक है, कौन सा बेस भैया, कोई भी बेस, कहने का मतलब यहां से देखो, यहां से जब अपन बेस की जो बात कर रहे थे, यहां से जो बेस की बात करें, इसी बेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसी बेस की मैं बात कर, बेस मतलब क्षारक की बात हो रही, ठीक है, क्षारक की बात हुई, इस चार, यहां पे बेटा देखो, डीएनए में जो है चार क्षारक होते हैं और आरएनए में जो है चार क्षारक होते हैं, उसी चार क्षारक में से बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं देखो ध्यान सुनना, अब बेटा उसी चार क्षारकों में से मैं कोई एक क्षारक यहां पर लगा दूंगा, मतलब यहां से जो है लगा दूंगा, मतलब एच प्लस आयन निकल जाएगा, ठीक है, जब ये इसके जगह में आ जाएगा बेटा, तो इसको इसको मैं क्या बोलूंगा, एक सिंगल जो हमको एक यूनिट मिलेगा, एक सिंगल इकाई जो मिलेगी, इसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलूंगा बेटा, न्यूक्लियो, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, न्यूक्लियोसाइट बोलूंगा, न्यूक्लियोसाइट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइट बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चा, न्यूक्लियोसाइट बोलूंगा, जब बेस जो है पहले वाले पोजिशन पर आ जाएगा फेंटोस के, ठीक है, लेकिन जब यही स्ट्रक्चर में भैया पहले वाले फेज, पहले वाले स्ट्रक्चर पे, इसी पहले वाले पोजीशन पे क्या बच्चा, मेरा एक बेस अटैच्ड होगा, मेरा एक बेस जो है अटैच्ड होगा, मतलब जो हमारा बेस था आरएनए और डीएनए में से, ठीक है, वो बेस यहां पे अटैच्ड हो जाएगा, और बच्चे मेरे जो पांचवे वाले पोजीशन, इस पांचवे वाले पोजीशन पे, यहां पे मेरा क्या होगा, फास्फोरिक एसिड जो है कनेक्ट हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड जो बच्चा जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इस वाले पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोसाइट बोलूंगा, क्या बच्चा, न्यूक्लियोसाइट बोलूंगा, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियोसाइट की बात हो रही है, इसको जो है हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है, एकदम इजी बच्चा, एकदम इजी, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, न्यूक्लियो टाइट बोलूंगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, तो ये फंडा आपको समझ आ गया। अब इसके अंदर जब देखेंगे प्यारे बच्चे, तो हमको क्या मिलेगा, एक मेरे को बेस मिलेगा, एक मेरे को क्या मिला, बेस मिला, ठीक है, और दूसरे दो पोजीशन में मेरे को क्या मिला, एसिड मिला, कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और तीसरे पोजीशन बच्चे मेरे को यहाँ पे मिला सुगर, क्या बेटा, ये सुगर है ना पूरा फेंटोस सुगर, तो यही हमारा क्या मिला, तीसरा, जब तीनों कंपोनेंट्स एक साथ होंगे, तीनों जो है हमारे पास जो ये एलिमेंट सब्सटेंस है बच्चे, बेस एसिड और जो हमारा सुगर जो है एक साथ स्ट्रक्चर पे होंगे, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे बच्चा, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, मतलब हम जो है न्यूक्लियोसाइड से बच्चा हमको क्या मिला, बहुलीकरण से, न्यूक्लियोसाइड के बहुलीकरण से अपन को क्या मिला, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, क्या बच्चा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं फटाफट समझ में आया होगा, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये मैं क्षारक की बात कर रहा था ना, अभी तक मैं जो क्षारक की बात कर, तो यही जो क्षारक है बेटा, ठीक है, जो क्षारक की बात कर रहा था, ये जो क्षारक है बेटा किसमें होता है, डीएनए में पाया जाता है, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर पाया जाता है, डीएनए के ऊपर, और ये जो चार क्षारक है बच्चे हमारे क्या है, जो आरएनए में रहता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां होता है बच्चे, देखो ध्यान से, जो थायमिन होता है, एडिनिन बच्चे यहां पे भी एडिनिन है, ठीक है, ग्वानिन यहां पे भी ग्वानिन बच्चे, ठीक है, साइटोसिन बच्चे यहां पे साइटोसिन भी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थायमिन, थायमिन बेटा थायमिन, और जो है यूरेसिल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस होती है, और बाकी किसी भी पोजीशन पे चेंज नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या होता है, थायमिन होता है, और जो है आरएनए में क्या होता है, यूरेसिन होता है, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को, ये फंडा आपको याद रखना है, जो क्षारक में ऐड करने की बात करते, यही जो है क्षारक की एड ऑन की बात कर रहा था, क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया प्यारे बच्चे, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं, तो ये सारे बच्चे आपको क्लियर होगा, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा ये स्ट्रक्चर का, जो बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो ध्यान से देखते रहना, सारी चीजों को समझ लेना, ठीक है। देखो अब बच्चे, अगर मैं बात करूं कि हम जो है ये स्ट्रक्चर, आप पहले क्या लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर को मैं जब देखूंगा, डीएनए के स्ट्रक्चर को जब देखूंगा, तो पहला वाला जो ऐसा साइकिल बन रहा है बेटा, ये पहला साइकिल, अब यहां पे क्या होगा, इस साइकिल में क्या होगा, हमारे जो चार जो एसिड थे, चार जो बेस थे वो चारों के चारों बेस होंगे ही होंगे, प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है, एकदम कंफर्म है, प्रेजेंट होंगे होंगे। अब देखो बच्चा, ये यहाँ पे जो पहला जो साइकिल है, जो पहला साइकिल जो मैं रेड कलर से लिखा हूं, वहां पे चार बेस होंगे, और इसके जस्ट अपोजिट वाले की बात करूं, इसके जस्ट अपोजिट साइकिल की बात करूं, ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा येलो कलर का, यहां पे भी चार बेस होंगे,
चार बेस यहाँ पे भी होंगे, क्लियर है सारे बच्चों को। यहाँ पे ऊपर वाले में चार बेस होंगे, यहाँ पे भी चार बेस होंगे, ठीक है। चार छारक होंगे यहाँ पे भी, चार छारक। और चार छारक कौन कौन से सर? वो चार छारक बेटा ये जो चार छारक डीएनए के अंदर ये चार छारक है ना, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। ये सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना। अब बच्चे मैं इस बारे में बात कर दूं, हाँ बच्चे, तो अगर मैं चार छारकों की बात किया यहाँ पे, तो चार छारक कहाँ पे अटैच रहेंगे बच्चे, ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मैं चार छारकों में पहले की बात करूं, एडिनिन की बात करता हूँ, ठीक है, एडिनिन की बात करूं, तो एडिनिन जो होता है, एडिनिन जो होता है बेटा थायमिन के साथ, ठीक है, थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं बेटा, थायमिन के साथ क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना के अटैच रहता है, क्या डबल बॉन्ड बना के, ठीक है, डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड बना के क्या करता है, अटैच रहता है, डबल बॉन्ड बना के, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन भैया हमारा जो होता है, हमारा जो ग्वानिन होता है, ठीक है, ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन जो होता है बेटा, ग्वानिन जो होता है साइटोसाइन के साथ, ग्वानिन जो होता है साइटोसाइन के साथ, साइटोसिन के साथ बेटा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, यहाँ पे और ज्यादा चीजें आपको याद करने की नीड नहीं है डीएनए के केस में, ठीक है, डीएनए के केस में आपको यहाँ पे और भी कोई चीजें यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये क्या था, वॉटसन, तो ये बच्चा क्या था हमारा, वॉटसन एवं क्रिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वॉटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलीय डीएनए स्ट्रक्चर बोलते हैं, द्विकुंडलीय डीएनए स्ट्रक्चर, सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर इतने सारी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ चीजें यहाँ पे याद नहीं रखनी है, क्लियर है सारे बच्चों को। अब आरएनए के फंडे पे आते हैं, आरएनए बच्चे यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर, और सिर्फ कहां पे चेंज होता है, यूरेसिल, वहां पे बेटा थायमिन की जगह पे यहाँ पे जो है यूरेसिल आ जाता है, क्या बच्चा, थायमिन की जगह पे यूरेसिन आ जाता है, सिर्फ यही चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे डबल डबल कुंडली दिखता है बच्चे, यहाँ पे डबल कुंडली दिखता था, यहाँ पे सिंगल कुंडली होगी, यहाँ पे सिंगल आपको एक सांप ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दी, ये हमारा सिंगल होगा, क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आए। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैं आपको लिखाऊंगा, कुछ चीज आपको बताऊंगा, तो वो चीज आपको नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, जैसे भी आपकी मर्जी, ठीक है। देखो फटाफट यहाँ पे बेटा डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे चार जो है हमारे पास जो है छारक समूह, यहाँ पे बेटा हमारे पास तीन छारक समूह, तो ये सारी चीज आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो, ठीक है। अब सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने आपको प्यारे बच्चों आपको बताई हुई अभी तक, जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हुई, तो मैं वो आपको स्लाइड में दिखाते जाऊंगा, आपको जो है अगर लिखना चाहो, आपको वो नोट करना चाहो तो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, आप बच्चे क्या करोगे वो कर सकते हो, ठीक है, फटाफट कर दो। देखो भाई, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड के जो कार्यविधि थी उसके बारे में अपन बात किए हुए हैं, ठीक है। ये आरएनए का स्ट्रक्चर बेटा, हाँ, तो मैं एक बात बता दूं बच्चे, डीएनए और आरएनए में आपको जो है डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, डिफरेंस अंतर के बारे में पूछा जाएगा और वहां पे कोई और बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। डीएनए और आरएनए में बच्चे आपको जो है डिफरेंस के बारे में पूछा जाएगा, तो वो डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल आप ये स्ट्रक्चर इसको जो है थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद आप जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, ये बच्चे हमारे क्या है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है, इसको बच्चे आप लोग प्रॉपरल तरीके से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इस तरीके से बच्चे हम जो पूरा का पूरा जो हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला जो फंडा था, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड वाला जो फंडा था वो यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे हम जो नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा पॉलीमर्स, क्या नाम बेटा, बहुलक, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर भैया तीन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम इसी तरीके से हम उसको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही गजब तरीके से समझने वाले हैं कि कैसे चीजें होती है। क्यों बच्चे हम यहाँ पे फोकस इसलिए नहीं है, क्योंकि बच्चे कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम जो आरएनए डीएनए आप अच्छे से समझाए नहीं हो, अच्छे से बताए नहीं हो, तो बेटा उसका जो है प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्या है, उसकी प्रायोरिटी बहुत कम थी, उसकी आने की संभावना जो है बहुत कम थी। अगर हम बच्चे वीडियो लेक्चर को बहुत लंबा खींचने नहीं चाहते, हम तो इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, समझ आया, शॉर्ट टाइम में अपन उसको कर दिए, ठीक है, क्लियर बच्चे को समझ आया, ठीक है। इस प्रकार से अगर मेरे को समझना हो बच्चे, तो हम पूरा का पूरा इस चैप्टर को जो समझ लिए, समराइज कर दिए। अब आने वाला लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बच्चे नए जोश और नए उमंग के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बच्चे धन्यवाद, आप लोग बच्चे पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय बाय।